हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ माता रानी से कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल बढ़िया होंगे, अपने फैमिली के साथ मस्त होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लग रहा है क्योंकि सभी की शुरुआत जो है, सुबह की शुरुआत जो है झाड़ू से होती है। तो मेरी भी शुरुआत झाड़ू से ही होती है, हो गई है यहाँ भी। तो झाड़ू लगा रही हूँ अभी मैं। ये देखो फ्रेंड्स, किचन में पहली रसोई बन रही है हमारी, गोभी, आलू गोभी की सब्जी। तो आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी, और काट के रख दी है, धो दी है, गर्म पानी में डाली है, धो नहीं दी है, गर्म पानी में डाल दी है। और रितिका बना रही है, इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, ये कॉलेज जाएगी। तो मसाले मिल नहीं रहे थे क्योंकि यहाँ वहाँ रखे थे ना, कुछ मिल नहीं रहा है, होता ना हड़बड़ी में रख देते हैं तो फिर बाद में मिलता नहीं है मसाला, और मिल नहीं रहा था, वही ढूंढ रहे थे। और ये चलाने नहीं आ रही थी, तो ये बता रहा था ऋतिक कि ऐसे करोगे स्लाइड राइट की तरफ तो ऑफ होगा, और लेफ्ट की तरफ करोगे तो वो ऑन होगा। पता नहीं चलता ना, नए नए फंक्शन का सीखने में 2 मिनट लगते हैं, सेकेंड लगता है, कुछ भी कुछ सेकंड लगते हैं सीखने में, तो सीख जाता है धीरे धीरे क्योंकि चलाई नहीं होती ना चीज़ें, तो फिर पता नहीं चलता है। वही है कि सीखने में तो 2 सेकंड लगते, तो वही सीख गई थी रितिका। तो वही है कि धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। और ये देखो, तो तड़का लगा के ये चली गई थी तैयार होने, नहाने गई थी, गीजर ऑन कर दिया था, तो ये नहाने चली गई थी, पानी हो गया था गर्म, तो मैंने कहा चलो मैं देख लूँगी सब्जी, तू चली जा नहाने, उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ और फुलके बनाऊंगी अभी मैं। और मेरी आवाज़ इस टाइम मैं एडिट कर रही हूँ रात के टाइम, तो मेरी आवाज़ इतनी गूंज रही है, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये बंद बंद सा रूम है, पता नहीं कब तक ये आवाज़ सही होगी, बड़ी आवाज़ गूंज रही है। होता है ना हॉल बड़ा है, तो हॉल ना खाली है, खाली मतलब सामान धीरे धीरे ले रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा मकान डाला, फिर चीज़ें भी लेनी है, उनको भरना भी है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए, तो टाइम तो लगेगा ही। तो वही ये आवाज़ इतनी गूंज रही है ना मुझे, मैं अभी देख रही थी, सुन रही थी पीछे आवाज़, अब इतनी आवाज़ आ रही है ना माइक वाली, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और बहन का घर बन गया, वो भी बड़ी खुशी है क्योंकि अब आपको पता है, अब हर लाइफ में स्ट्रगल होता है इंसान की, मतलब होता है, दुख के बाद सुख की घड़ियाँ भी आती हैं। तो वही कि हर बंदे को दुख दुख होता ही है, सभी को होता है, ये नहीं है कि दुख के बाद सुख भी आता ही है, तो ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है, पर वही है कि आदमी सोचता है ना कि वो जो हमें कल मिलना है वो आज ही मिल जाए, होता है लेडीज़ लोगों को, लेडीज़ को ज़्यादा होता है कि जो हमें कल मिले वो हमें आज ही हो जाए। अरे हर हर एक इंसान की सोच होती है कि हमें, पर आजकल ना जिंदगी बहुत थोड़ी है, तो यही सोचते हैं सारे कि जो भी हो काम झट से हो जाए, झट से हमें मिल जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब गाड़ी रुक जाए। ये जो 2 पहिए वाली गाड़ी है ना, कभी भी ठहर सकती है, कभी भी रुक सकती है, क्योंकि आपको पता है कितनी कितनी बीमारियां चली है आजकल, पता नहीं लग रहा है। जो भी इंसान की ज़रूरत होती है ना, वो टाइम के अनुसार पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का आजकल सच में कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो वही है, जो पल जी लिए ना वही अपने हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए ज़िंदगी से, तो इसीलिए ज़िंदगी को हमेशा जीने की कोशिश करो, उसको काटने की कोशिश मत करो, जिए ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो। और ये किस जिसने भी कहा, ये बहुत खूब कहा है कि ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी को काटो मत बस, क्योंकि ये पल जो है ना वो बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं बहुत, तो इसीलिए जो है वो जी लेना चाहिए, क्योंकि भरोसा कभी भी किसी का नहीं है आजकल। कैसी कैसी बीमारियां चली हैं, कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं इंसान के साथ, तो सब कुछ यही रह जाना है, जो जी लिया वही अपना है, तो इसीलिए क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ो अब जो होगा वो होगा। पर मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ यहाँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और सामने ना हॉल में वो लगी है, टीवी लगा है, तो मज़ा भी आ रहा है, साथ साथ मैं टीवी भी देख रही हूँ, गीत सॉन्ग लगाए हैं, और यहाँ पे मैं बोल भी रही थी, तो फिर मैंने कहा यहाँ कॉपीराइट ना आ जाए कहीं।
और रोटी मेरी बन गई है। अभी मैं कर लूँगी किचन को साफ, क्योंकि आटा बिखरा था। और ये टाइल दिख रही है ना आपको, कितनी धूल दी। ये टाइल नहीं की थी साफ, ऊपर ऊपर से किचन किया था और टाइल नहीं की थी। टाइल में बहुत सारी धूल थी। और अभी पोचे वगैरह, कपड़े वगैरह वो भी लेके आने हैं जो टाइल के लिए रखने। अलग से मैं इसको बोल रही थी कि अलग से रखना, तो ये कपड़ा मिला था, इसको मैं पहले कर लूँगी टाइल को। और सभी अपने अपने कामों में लगे थे। मोनिका लगी थी बाथरूम को साफ़ करने, वॉशरूम कर रही थी वो साफ़, क्योंकि टाइल वहाँ भी बड़ी गंदी हुई थी तो उसको कर रही थी। फिर मैं किचन में थी और रिद्का कॉलेज जा रही थी, और सारे अपने अपने इसमें लगे थे काम में। तो मैंने काम में किचन का संभाल लेती हूँ, किचन को कर देती हूँ क्लीनिंग। मुझे ना, और सच बोलूँ तो मुझे ये सफाई, घर को क्लीन रखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे डेकोरेट करना, घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो यही कर रही हूँ मैं, ये किचन कर लूँगी, टाइल कर लूँगी साफ। रोटी बन गई है हमारी, और रोटी तो सिर्फ सुबह ही बन रही है, क्योंकि दोपहर की बना रहे हैं। इकट्ठी बना देते हैं क्योंकि काम होता है, बाज़ार भी जाने पड़ता है, बार बार जो चीज़ याद आती है वो लेने चली जाती है। तो फिर यहाँ मैं गैस को कर लूँगी साफ, नीचे से भी कर दूँगी इसको साफ अच्छे से, गीला कपड़ा लगा के इसको अच्छे से टाइल को भी साफ़ कर दूँगी। किचन हो गया क्लीन क्योंकि रोटी बन चुकी है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना हमें किचन में, क्योंकि रोटी हम एक ही टाइम खा रहे हैं, क्योंकि काम है तो काम के टाइम होता भी है, खाना छोड़ देना चाहिए कभी कभी, इसी बहाने डाइट भी हो जाती है। तो यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि थोड़े से बर्तन पड़े थे सिंक में, फिर मैंने सोचा कि धो ही लूँ इसको भी, बाद में जो खाने की बर्तन होंगी उसको अलग से धो लूँगी बाद में, पहले ये कर लूँ क्लीन। और वहाँ मोनिका भी लगी है तो ये भी फ्री हो जाती, उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो और प्लीज़ बताया करो आपको ब्लॉग कैसा लगता है मेरा, और जो चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो प्लीज़ ये वाला काम तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करती हूँ तो बेल आइकन ज़रूर दबाया करो उसको। तो ये देखो होगी क्लीन बर्तन भी। तो आ जाओ फ्रेंड्स, अब हो रहा है हमारा नाश्ता फ्री होके। आ जाओ आप सब भी नाश्ता कर लो, गोभी और मोनी कहाँ कुतु है तू? ये बाहर खा रही है मोनी का रोटी, क्योंकि घर के अंदर नहीं खाते ना अभी। लाला भी नहीं खाते जब तक मतलब घर का पूजन वगैरह नहीं होगा। वैसे तो करती है पूजा, जो छोटी पूजा थी मतलब जो गैस की पूजा थी चूल्हे का, वो तो कर दिया है रात को। पर जो होगी असली पूजा जो होगी वो पंडित करेंगे 23 को, तब ये घर में खा सकते हैं। पर अभी तो फिलहाल बाहर खा रही है, ये बाहर बैठ के खा रही है, मतलब हाँ बैठी है बालकनी में के बाहर। तो मैं तो अंदर खा सकती हूँ, सारे खा सकते हैं, बाकी बच्चे वगैरह खा सकते हैं, सारे खा सकते हैं, पर इनको है जो तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी बाज़ार, थोड़ा सा सामान लेना है इसको आज। और ऊपर गए थे पहले पुराने मकान में, थोड़ा सा सामान लेके आए वहाँ से, जो मशीन अभी कपड़े धोने वाली मशीन उधर ही है अभी, वो लेके आएंगे कल। जीजे की छुट्टी है, वो लेके आएंगे कल। और आगे फिर मैं नहाई कपड़े, मैंने वो तो जो पहने थे वो तो मैंने वॉश कर दिए, पर मैंने फिर मैंने यही सूट पहन लिया। मैं उस दिन धोने का टाइम नहीं मिला इसे रखा था मैंने, इसी को पहन लिया। अभी बाज़ार जा रही हूँ, उसके बाद मैं धो लूँगी आपके। और अभी जा रही है मार्केट, चुटर पुटर और भी सामान लेना है इसको, पर्दे ले आने हैं अभी, पर्दे लेके आने हैं, पर्दे नहीं लगाए हैं, पर्दे लेने हैं अभी। और बोलना भी है वो पर्दे वालों को जो पाइप लगाती है ना, उनको भी बोलने पड़ेगा एक दिन पहले, क्योंकि फिर जब बोलते हैं ना तो फिर 2-3 दिन के बाद ही आते हैं, तो फिर पहले ही बोल देना तो फिर आ जाते हैं टाइम पर। तो अभी जा रहे हैं, लंच तो बना दिया था मैंने सुबह ही, रोटी बना दी थी। हाँ जी,
फिर क्या आवाज अभी भी गूंज ही रही है इसमें। रहते हैं उस घर उस जगह को वो घर कहते हैं। आई मैं ताई भी होना चाहिए यार, ये बोल दे। चलो गाइस लेके चलते हैं। कुछ है रित को फोन होना, रित को मम्मी का फोन होना। बैल मार यार, मुझे देखना थे धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। चलो गाइस मैं लेके चलती हूँ आज रात में आपकी, आपको रात में लेके चलती हूँ इसकी मार्केट में। और सड़क बस सड़क जस्ट पास ही है ये, अभी तो बड़ी आसानी है जाने की मार्केट में क्योंकि सड़क पास ही है। तो ज़्यादा ये सामान है थोड़ा सा वापस करना है, जो बच गया है पुट्टी वाला ना और पेंट वगैरह है वो वापस करने हैं, क्योंकि फिर रखे रखे अब पता नहीं कब आएगा इनका टाइम करने का, तो फिर ख़राब हो जाती है ना, फिर पेंट वापस कर देना है। ये जो लगाए हुए वो भी आधे आधे पड़े हुए हैं तो वो नहीं होने ना वापस। हाँ वो नहीं हो गए ना, तो इससे ज़्यादा तो वो ही है पड़े हुए, तब दे रही हूँ मैं। हाँ ये ना खोले नहीं है, ये पैक किए तो ये तो कर लेंगे वापस, पर जो लग गए हैं ना वो होएंगे वापस, तो वो तो लगाने पड़ेंगे वन बाय वन, ख़त्म भी करने पड़ेंगे। तो चलो बातें ना करते हुए मिलती हूँ बाज़ार में ही, बने रहना वीडियो पे। और प्लीज़ जो वीडियो में आता है चैनल को पहले ही सब्सक्राइब। अरे पता क्या हुआ, कल बर्तन साफ़ किए ना मैंने और मेरे मेरा एक दिन मेरा लॉक नहीं खुला फ़ोन का, पता नहीं स्क्रैच आ गई उंगली में ना, लॉक ही नहीं खुल पाया मेरा एक दिन। ये तो फिर दूसरा लॉक लगाया था, पासवर्ड उसी से खोला फिर मैंने। बस वही लेने थे हमें पर्दे ना, बस थोड़ा सा पर्दे पर्दे और पाइप जो भी लगती है ना वो लिए और गाड़ी करके वो भेज दिए। और हम जा रहे हैं कुछ खा पी के, चाउमीन खाई नहीं मोमोज खाए, और साथ में स्टिंग एनर्जी घूट हम पीते पीते जा रहे हैं रास्ते में। पैदल 2-3 किलोमीटर है, बातें करते करते झट से पहुँच जाएंगे, तो पैदल चले हैं फिलहाल जा रहे हैं हम। और मुझे नहीं दिख रहा मैं फेस मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि धूप है सामने। थक गए पहुंच गए, मैं ये वाला सूट पहनने आके चेंज कर दी मैंने, थक गए पैदल आए ना थोड़ा। आगे तो मिल गई गाड़ी, इनके कोई रिलेटिव थे वो गाड़ी मिल गई वहाँ से आ गई फिर। और मैंने ये वाली पीली कुर्ती पहन ली है, थक गए बड़ी थकावट होती, मैं जाती नहीं बाजार घूमने ना, एक तो सर दर्द मेरी। हाँ मोनिका धो रही है कपड़े, हाँ बोल। अब फिर से वो सामान ढोना है, शायद एक दो फेरे लगाए हम फिर से, तो बताना आप प्लीज़ बताया करो आप कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है वो भी बताया करो, अगर नहीं लगता है अच्छा तो वो भी बताया करो, ऐसे पता भी चलता है कि कैसा लग रहा है। अच्छा तो नहीं बनता है मेरे से ब्लॉग, मुझे पता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा एनर्जी डालने की, पर नहीं होता है मेरे से। चलो मैं इस ब्लॉग का यही बयान करती हूँ, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।